इस कार्यक्रम के साथ क्या आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके लाख प्रयास के बावजूद भी आपको काम में सफलता नहीं मिलती है, आखिर क्यों? तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे खास उपाय ताकि इन उपाय को करके आप अपने भाग को अपने अनुकूल बना सकते हैं और जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता आप पा सकते हैं। हम आपको छोटी छोटी और आसान उपाय बताएंगे ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं। हम आपको बता दें कि भाग को मजबूत करने के लिए पांच चीजों की जरूरत पड़ती है, बुद्धि, परिश्रम, आत्मविश्वास, धन और ईश्वर का आशीर्वाद। तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। देखिए, सफलता के लिए पांच चीजों का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर का आशीर्वाद। आखिर ईश्वर का आशीर्वाद क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ग्रह नक्षत्र सभी इसके अधीन है। अगर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तो कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ईश्वर के बाद अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है वह है प्रकृति, नेचर। जिस प्रकार प्रकृति ने रोग, शोक या अन्य घटना दुर्घटना को प्रदान किया है, उसी प्रकार इससे बचने के उपाय भी दिए हैं जो भाग कर्मों से मजबूत होता है। अगर प्रकृति ने हमें रोग दिया है तो उसे बचने का उपाय भी दिया है। तो कुछ खास उपाय, कुछ खास कर्म करके आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने दिन को अपने अनुकूल बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर भाग का क्या फल होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो भी मिलता है वो भाग का फल होता है। भाग अगर अनुकूल है तो जो भी आप चाहेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर भाग का स्वामी शुभ स्थिति में नहीं है तो लाख प्रयास करने के बाद भी आपको निराशा हाथ लगती है। आपने कभी सोचा है ऐसा कि क्यों आपके प्रयास के बावजूद भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती है? तो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से आप अपने भाग को मजबूत कर सकते हैं, तो किस तरह से किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और आपका भाग आपका साथ देगा। देखिए, जो भी ग्रह अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं उनके रत्न को उस ग्रह से संबंधित उंगली में पहन लीजिए तो किस्मत के दरवाजे पर लगा ताला खुल जाएगा और कामयाबी आपके चरण चूमने लगेगी। हम आपको बताते हैं कि आखिर शरीर पर ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से रत्न पहनने से क्या आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिस ग्रह का रत्न व्यक्ति धारण करता है वह रत्न संबंधित ग्रह की ऊर्जा को अवशोषित करता है और शरीर में पहुंचाता है। इससे शरीर में मौजूद उस ग्रह से संबंधित कमियां दूर होती है और व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर पाता है और व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। हम आपको बताते हैं कि भाग को मजबूत करने की क्या है खास पांच चीजें। देखिए, भाग अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो इन चीजों को मजबूत करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग को मजबूत बनाने के लिए जो खास चार चीजें हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला है बुद्धि, दूसरा है आपका परिश्रम, आत्मविश्वास, धन और ईश्वर की आशीर्वाद, जो मैंने आपको पहले बताया। ये चार चीजें जिन्हें मिल जाती है उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इन चार चीजों के लिए चार रत्नों का जिक्र किया गया है शास्त्रों में। हम आपको एक एक करके रत्नों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप रत्न पहन सकते हैं और क्या उपाय करके आप अपने भाग को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आखिर भाग के जो ये चार चीजें हैं किन ग्रह से संबंधित है। देखिए, भाग को मजबूत बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि चार चीजों की जरूरत पड़ती है। बुद्धि, जो बुध ग्रह से संबंधित है, बुध ग्रह स्ट्रांग होने से आपको बुद्धि आती है और आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में लगती है। दूसरा है कि बुद्धि के साथ साथ परिश्रम का भी होना जरूरी है। अगर आप लेबोरियस है, परिश्रमी है, तभी जाकर के आपको आपका भाग साथ देगा और परिश्रम के लिए शनि ग्रह इसलिए जिम्मेदार होता है। अगर आपका शनि स्ट्रांग होगा तो आप संघर्षशील होंगे, आप परिश्रमी होंगे। इसके साथ साथ बुद्धि और परिश्रम के साथ साथ आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आत्मविश्वास आपके साथ नहीं है तो आप लाख कोशिश करेंगे तो आप सफलता नहीं पा सकते हैं। तो आत्मविश्वास आपको मिलता है सूर्य ग्रह के प्रभाव से। इसके साथ साथ धन काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास बुद्धि है, आप
परिश्रमी हैं, आपके पास आत्मविश्वास है लेकिन धन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना धन का कुछ भी संभव नहीं है आज के जमाने में। मैंने काफी लोगों को देखा है, काफी बुद्धिमान लोगों को देखा है, उसके पास धन नहीं है, खाली बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। हम आपको एक एक चीज बताते हैं कि क्या किस तरह से आप बुद्धि, परिश्रम, आत्मविश्वास और धन आप अपने जिंदगी में ला करके आप सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, भाग्य को मजबूत बनाने का क्या है पहला चीज। देखिए, बुद्धि का स्वामी है बुद्ध और इसका रत्न है पन्ना। बुद्धि सही दिशा में लगाने के लिए बुद्ध को मजबूत और शुभ बनाना आवश्यक है। इसके लिए अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर ही कोई रत्न धारण करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। पन्ना हरे रंग का होता है, इसे कनिष्ठा यानी छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, क्योंकि इस उंगली के अंतिम पोर से सटा हुआ बुध पर्वत होता है। लेखन, पत्रकारिता, वाणी से संबंधित कार्यों से जुड़े लोगों को यह रत्न कार क्षेत्र में उन्नति दिलाने में सहायक होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि भाग को मजबूत करने के लिए क्या है दूसरा चीज। देखिए, बुद्धि के साथ ही व्यक्ति में परिश्रम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। यह क्षमता व्यक्ति में शनि के प्रभाव से आती है। हस्त ज्योतिष के अनुसार शनि ही भाग का आधार है। शनि पर्वत उन्नत हो और इस पर हथेली के अंतिम छोर से कोई रेखा चल चलकर आती है तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति इसलिए भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि यह संघर्षशील और परिश्रमी बनाता है। शनि को शुभ बनाने के लिए मध्यमा उंगली में नीलम अथवा काले घोड़े की नाल की छल्ला पहनना चाहिए, तो आपकी बुद्धि भी मजबूत हो जाएगी और शनि के उपाय करने से आप परिश्रमी और संघर्षशील हो जाएंगे, जो भाग के दो महत्वपूर्ण चीज है। अब हम चर्चा करते हैं कि भाग को मजबूत करने के लिए क्या है तीसरा चीज। देखिए, कामयाबी के लिए आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है, जो सूर्य ग्रह से मिलता है। सूर्य को पिता एवं कार्य क्षेत्र में अधिकारी का कारक माना जाता है। बचपन में पिता और कार्य क्षेत्र में अधिकारी से अनुकूल सहयोग नहीं मिले तो व्यक्ति को सफलता पाने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूर्य को मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी बुद्धि, आपकी परिश्रमी होने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास होना भी बहुत जरूरी है, जो कि सूर्य ग्रह से मजबूत होता है। अब आप सूर्य के लिए क्या रत्न धारण कर सकते हैं? देखिए, सूर्य ग्रह को राजा कहा गया है, यानी अकेला सूर्य अगर उत्तम स्थिति में हो तो अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम कर देता है। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए माणिक रत्न धारण करना चाहिए और सूर्य का स्थान हाथ में अनामिका उंगली के अंतिम पोर पर होता है, इसलिए यह रत्न अनामिका उंगली में ही धारण करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर भाग को मजबूत करने के लिए चौथा क्या चीजें हैं। गुरु धन का कारक ग्रह है। गुरु मजबूत होने पर धन संबंधी परेशानियों में कभी कमी नहीं होती है। अगर आपका गुरु मजबूत नहीं है तो आपको धन संबंधी कामयाबी, आपको धन में आपको समस्या आ सकती है। सूर्य नाम और यश दिला भी दे, बुध बुद्धिमान बना भी दे, लेकिन व्यक्ति के पास अगर धन नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वह भाग्यहीन ही कहा जाता है। अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास आत्मविश्वास है, आप परिश्रमी है, लेकिन धन नहीं है, तो धन नहीं रहने पर ही आपको भाग्यहीन ही कहा जाता है। ये बात आज आप समझ लीजिए। तो धन के लिए क्या खास उपाय आप करें? देखिए, गुरु ग्रह धन का कारक है, इसलिए गुरु ग्रह के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरु को मजबूत और शुभ फलदायी बनाने के लिए इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में पुखराज धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और वह गलत काम से दूर रहता है।
ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और धन संबंधी परेशानियों में भी कमी नहीं आती है। ये बात आज आप समझ लीजिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर कोई आप रत्न धारण करते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही धारण करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मैंने आज आपको बताया कि चार चीजों को आप अपने बुद्धि, अपने आत्मविश्वास, आप कैसे लेवरेज हो सकते हैं और कैसे आप धन की प्राप्ति करके आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्या रत्न आपको पहनना है। इसके साथ साथ कुछ और खास उपाय अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगी। तो इसके लिए है कि कैसे आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तांबे का कड़ा हाथ में धारण करें, गणेश जी की उपासना करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपका बुध प्रबल होगा और आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह से आपको जिंदगी में लग्जरी आती है और धन की भी प्राप्ति होती है, नेम फेम भी मिलता है। स्फटिक की माला से ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम आपको 1 से 8 बार जप करना है और हर एक फ्राइडे को ये आप करें। देखिए दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी ग्रह को मजबूत करने के लिए आप रत्न पहनते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं और दान करते हैं। तो ये उपाय आप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, इसके साथ साथ आप दान भी कीजिए तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी फास्ट मिलेगा। तो शुक्रवार को शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप चावल का दान करें और साथ में लक्ष्मी जी की उपासना भी करें, निश्चित रूप से आपका शुक्र प्रबल होगा। यदि गुरु ग्रह बृहस्पति आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो विष्णु जी की उपासना आराधना करना चाहिए। गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाएं, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, आपका गुरु प्रबल होगा और काम में सफलता मिलेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह अगर आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो इसके लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और शनिवार को हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, निश्चित रूप से शनि आपका प्रबल होगा और आपको काम में सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ यदि मंगल आपके कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, मजदूरों को मंगलवार को मिठाई खिलाएं। कोई मजदूर आसपास में काम करता हो तो आप ले जाइए, लड्डू खिला दीजिए। लाल मसूर का भी दान करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सुंदरकांड की पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लैपटॉप में, मोबाइल में सुंदरकांड की ऑडियो लगा दीजिए, इसको कम से कम आप सुन लीजिए तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर आपका सूर्य प्रबल नहीं है जो कि आपको आत्मविश्वास देता है तो इसके लिए आपको रत्न के साथ साथ क्या उपाय करना है, गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को नियमित जल दें। इससे निश्चित रूप से आपका सूर्य प्रबल होगा और आपको काम में सफलता मिलेगा। अगर आपका चंद्र ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो इसके लिए क्या आपको करना है, इसके लिए एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का सोमवार के दिन 1 से 8 बार जप करें और चांदी के गिलास में आप जल पिए। एक चांदी का गिलास आप ले लीजिए, मार्केट से खरीद लीजिए और जब भी पानी पीने की इच्छा हो तो चांदी के गिलास से ही आप पानी पीजिए, निश्चित रूप से चंद्र आपका स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ आप शिव जी की भी उपासना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मैंने आज आपको बताया कि आप अपने भाग को किन चार चीजों को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने भाग को बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन से रत्न पहनने से कौन सा चीज आपका स्ट्रॉन्ग होगा, किस तरह से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और खास उपाय बताए जिसको करने से आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा ताकि आपके दोस्त के जीवन में भी अगर कोई समस्याएं हैं ग्रह से रिलेटेड संबंधित या उनको सफलता नहीं मिल रही तो वो भी इन चीजों का उपाय करके अपने जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप बेल बटन को भी दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।